नेशनल और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक आपको अब शराब की कोई दुकान नहीं दिखेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसकी आखिरी समय सीमा 1 अप्रैल रखी है, यानी 1 अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी। शराब की दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा, नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह फैसला लागू होगा। इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे। राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और DGP सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया है जिसमें गुहार लगाई गई थी कि उत्पाद कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाईवे के किनारे शराब की बिक्री ना हो। इस पर हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब के ठेके बंद करने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन कोर्ट की इस टिप्पणी से सकपकाए शराब कारोबारी और यहां तक कि पंजाब सरकार ने इस मामले पर कोर्ट में अपनी दलील दी थी, जिस पर कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। दरअसल पंजाब सरकार का कहना था कि अगर राजमार्ग एलिवेटेड हो तो उसके नीचे या करीब शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा था कि जब दुर्घटना में लोगों की मौत होती है तो आप पीड़ित के परिवार को बस 1-1.5 लाख रुपए मुआवजा दे देते हैं। आपको समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष रखना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की भी खिंचाई की थी। पीठ ने कहा था कि भारत सरकार अब तक कहती रही है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब के ठेके को हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, लिहाजा हमें दखल देना पड़ा। तो शराब कारोबारियों को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब सिर्फ 31 मार्च तक ही हाईवे पर शराब की दुकानें मिलेंगी, लेकिन अगले दिन यानी 1 अप्रैल से हाईवे पर शराब बंद होगी। देखते रहिए डीबी लाइव।